उज्जैन शहर में चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविन्द्र वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक विनोद मीणा के मार्गदर्शन में गठित टीम के द्वारा विगत कुछ महीनों में उज्जैन शहर में मोटरसाइकिल से युवकों द्वारा महिलाओं के चेन झपटने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उज्जैन में पिछले कई दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की घटना हो रही थी। 13 अक्टूबर को फरियादिया द्वारा थाना माधव नगर पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दोपहर 4 बजे करीब कृष्णा डेयरी दशहरा मैदान के पास फरियादी महिला घर जा रही थी, तभी एक अज्ञात मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी द्वारा फरियादिया के गले से चेन छीन ली गई और मौके से फरार हो गया, जिस पर थाना माधव नगर ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 13 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिकारी गण के मार्गदर्शन में समस्त थाना प्रभारी गण की टीम गठित कर ब्रीफ किया गया, जिसमें थाना माधव नगर, थाना देवास गेट, थाना महाकाल एवं साइबर टीम शामिल रहे। संयुक्त टीम द्वारा 6 घंटे के भीतर ही घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को चिन्हित किया गया। वह लगातार दबिश पश्चात 17 अक्टूबर को तंबाकू बाजार उज्जैन से एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपनी गैंग के साथ उज्जैन शहर में कई वारदात करना बताया गया, जिसके निशानदेही से कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 8 सोने की चेन, कीमती लगभग 4 लाख रुपए, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। गैंग में एक आरोपी उज्जैन का निवासी है एवं 3 आरोपी इंदौर जिले के रहने वाले हैं, जिस पर दर्जनों अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों से अन्य चोरी व लूट के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी गण स्मैक का नशा करते थे, स्मैक की लत को पूरा करने के लिए इंदौर से आकर घटनाओं को अंजाम देते थे। 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले अक्टूबर माह में 3 वारदातें और जुलाई माह में 3 वारदातें चेन स्नैचिंग हुई थी। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए रविन्द्र वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और सभी जो फुटेज थे उनका एनालिसिस किया गया और सभी वारदातों के संदर्भ में जो इनपुट हमारे पास थे और जो गर्भाधार करने का उसके आधार पे हमने ग्राउंड में लगभग 7-8 टीमें निकाली थी और वो का जो समन्वित प्रयास रहा उसके आधार पे हमने अभी आज 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 3 आरोपी इंदौर के हैं और 1 आरोपी यहाँ का है। उनके कब्जे से जो 8 वारदातें हुई हैं वो वारदातों का सामान बरामद हुआ है। हमारी टीम अभी भी काम कर रही है, कुछ आरोपी हमारे अभी भी चिन्हित हैं, उन पर हमारा काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि और भी वारदातें। सर, ये जो वारदात करते थे इसके पीछे उद्देश्य क्या था? नहीं, निश्चित तौर पे उनका जो देश है ये है कि लूटने का ही था और वो अपना प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं और लिस्टेड ऑफेंडर्स हैं, जिसमें 3 जो आरोपियों के जो इंदौर के हैं उनके अपराध निकले हैं। यहाँ जो 4th आरोपी ये है, ये पूर्व में भी चिमनगंज थाना क्षेत्र में वारदात में है, तो इस तरह से ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। और हाँ, एक चीज जरूर इनकी आई है कि ये नशे के भी आदी है, सभी लोग नशा भी करते हैं और नशे की लत भी इनके एक कारण है, जिसके कारण ये वारदात ने एक आरोपी को बनाया है, जो वास्तव में इन पूरी जो इनका गैंग में जो वारदात ये लूट के जो चेन वगैरह लूट के ले जाते थे उनके डिस्पोजल का काम करता था। वो आरोपी हमने चिन्हित कर लिया है, वो इंदौर में है और इंदौर से हम उसको गिरफ्तार करके लेकर आएंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।